के बाद स्वागत है आपका। जो तरीके से प्रधानमंत्री के सामने मुख्यमंत्री की होटिंग सही है या गलत, आज हमारा सवाल आपसे ये है। जिस तरीके से कैथल में मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा की होटिंग की गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने, वैसे ही आज रांची में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की होटिंग की गई है प्रधानमंत्री के सामने। दोनों जगह प्रधानमंत्री सरकारी कार्यक्रम में गए थे, लेकिन वहाँ पूरा एक तरीके से कहा जाए राजनीतिक कार्यक्रम लग रहा था, क्योंकि जिस तरीके से विपक्षी दलों की होटिंग हो रही थी, सोरेन की होटिंग हुई और इधर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की होटिंग हुई, उसको देखकर पूरा ऐसा ही लग रहा था कि राजनीतिकरण है। यही आज हमारा आज आपसे सवाल है कि पीएम के सामने सीएम की होटिंग सही है या गलत। आपने जवाब आप दीजिए, अपनी राय दीजिए कॉल करके। आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर फ्लैश होते रहेंगे और ये आपके सवालों के जवाब के लिए हमारे स्टूडियो में भी मौजूद हैं डॉक्टर रणवीर गोलिया जी, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। रणवीर जी, किस तरीके से देखा जाए, अभी हमारे जो कॉलर्स आए थे उन्होंने भी मोस्टली कॉलर्स यही कह रहे हैं कि हाँ ये गलत है, प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए था, ये राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था, पूरी तरीके से सरकारी कार्यक्रम थे, इसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए था। जी क्या कहेंगे आप? ये तो पहले से ही निर्धारित हो गया था, जब अखबारों में हम न्यूज़ पढ़ रहे थे कि अगर कुलदीप को इनवाइट नहीं किया गया इस रैली में तो हम गठबंधन को तोड़ देंगे। सरकारी रैली में कुलदीप को इनवाइट करना, उसकी सीट पर उसकी नेम प्लेट लगाना, इसके सब तौर से हो गया था। बीजेपी पार्टी ने इस रैली का राजनीतिकरण कर दिया। हाँ बिल्कुल, ये एक तरीके से कहा जाए राजनीतिकरण ही है, यानी कि ये एक तरीके से बीजेपी की रैली लग रही थी, क्योंकि एक तरफ कहा जाए जो हजका सुप्रीमो है कुलदीप विष्णु कह रहे थे कि इस रैली में अगर मेरे को इनवाइट नहीं किया गया तो मैं गठबंधन पे निर्णय लूंगा। ये एक सरकारी कार्यक्रम था, कोई बीजेपी की रैली नहीं थी, आप क्यों ऐसे निर्णय ले सकते हैं? उनके मंत्री ये कह रहे, हमने उसको इसमें इनवाइट भी किया था, टेलीफोन भी किया था, बढ़ाने की स्टेटमेंट है, लेकिन उनकी बात नहीं हो पाई। मैंने मलिक जो इनके पार्टी के कोई इंपॉर्टेंट पर्सन है उसको इन्फॉर्म कर दिया है, शायद वो आते ही होंगे, तो किस कैपेसिटी में, ये तो स्पष्ट तौर पर ये था। आगे तो सरकारी कार्यक्रम को राजनीतिकरण के तौर पर क्या माना जाए, जिस तरीके से अब जो महाराष्ट्र में एक प्रोग्राम होना था वहां पर मुख्यमंत्री चौहान ने मना कर दिया वहां जाने से, वो क्या क्या माना जाए, वो डिसीजन सही है या गलत, क्योंकि प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली उन्होंने नहीं करा, उनको प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंगली उन्हें जाना चाहिए था। तो क्या लगता है आपको, क्या ये डिसीजन उनका सही है गलत? डिसीजन परिस्थितियों को देखकर तो सही है, लेकिन प्रोटोकॉल के आधार पर मुख्यमंत्री को जाना चाहिए जी, क्योंकि डेमोक्रेसी बिल्कुल हेल्दी ट्रेडिशन पर बनी हुई है। वो इसी डर से नहीं गए, क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें कैथल की, झारखंड की, दोनों जगह वहां पर मुख्यमंत्रियों की होटिंग हुई और प्रधानमंत्री कुछ नहीं कहे, उन्होंने कुछ इसके लिए मोदी ज्यादा जिम्मेदार, उसको इस बात को रोकना चाहिए था। आगे भी ऐसे प्रोग्राम होंगे, 1967 से हमारे कोलेबोरेशन, सेंटर में किसी की गवर्नमेंट रही है, स्टेट में किसी की गवर्नमेंट रही है, लेकिन इस तरह की बातें उभर के नहीं आई, ये वर्तमान में आई। एक तरफ तो मोदी दिखाते हैं मैं डेमोक्रेसी के प्रति कितना आदर रखता हूँ, कितना समर्पण हूँ, लेकिन प्रैक्टिस में वो चीजें हमें देखने को। जी डॉक्टर साहब, एक कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, विनोद यमुनानगर से। विनोद अपनी राय दीजिए। हेलो जी, अपनी राय दीजिए विनोद जी। मेरी राय है कि जिस तरह से ये होटिंग हुई है ये बहुत गलत हुई है और ये होटिंग नहीं होनी चाहिए थी। अगर ये 56 इंची का सीना लेकर मोदी घूमते हैं, इनको कहें कि 24 तारीख को जो रैली हो रही है यहाँ पर उसमें आगे एक बार अनाउंस करें, देखें कि पता लगे कि कैसे होता है दूसरे के गढ़ में जाकर उसमें बोलना, इतनी भी हिम्मत होनी चाहिए। अगर वहाँ पे हमारे मुख्यमंत्री जी ने वहाँ पे अपना भाषण दिया है वो एक प्रोटोकॉल था और इस तरह से भाजपा ने उनकी बेइज्जती की है, ये गलत है जी। बहुत बहुत शुक्रिया विनोद, क्या कहेंगे आप डॉक्टर साहब, हमारे इन कॉलर का जवाब क्या देंगे? भूपेंद्र ने गरिमा को बनाए रखा, उसने कभी भी ये रिएक्शन नहीं दिया कि उसके भाषण में हूटिंग हुई, उसके लाइव टेलीकास्ट को मैं देख रहा था। बिल्कुल, हमारे कॉलर विनोद कह रहे हैं कि 24 तारीख को जो कांग्रेस की यहाँ रैली हो रही है, महा रैली हो रही है, उसमें प्रधानमंत्री आके कुछ अपने 56 इंच का सीना, जिस तरीके से हमारे कॉलर कह रहे थे, यही तो नहीं चाहते थे हम, इसने किया उसने किया, क्या यही है क्या डेमोक्रेसी? जी बिल्कुल, डेमोक्रेसी के तो नैतिक मूल्य है भाई, उसको ये भी अडॉप्ट करे वो भी अडॉप्ट करे, ऐसे चलते रहे डेमोक्रेसी क्या फ्लोरिस कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं डॉक्टर साहब हमारे साथ, राहुल यमुनानगर से। राहुल अपनी राय दीजिए। सर सबसे बड़ी बात है, एक बात तो ये सोचती है, जब प्रधानमंत्री सामने बैठा है ठीक है, वोटिंग आज तक क्यों नहीं हुई है, वोटिंग आज ही क्यों हुई है वोटिंग? क्योंकि आज एक नया लीडर मिला है, जनता को आवाज उठाने का मौका मिला है। प्रधानमंत्री का किसी को जनता को ये बोलेगा कि अंदर मिलना करवा देगा वोटिंग के चक्कर में?
वो अंदर नहीं करवा सकता किसी को, जनता का हक है किसी के खिलाफ नारेबाजी करने का जी, तो वो तो करेगी। तो आपको क्या लगता है ये सही करा है हूटिंग करके? ये जनता ने, वैसे जनता ने गलत किया ही, हूटिंग बाहर करनी चाहिए, नारे बाहर रखने चाहिए, लेकिन इस जगह पे गलत किया, लेकिन प्रधानमंत्री ने रोका भी है वहाँ पे जी। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल। एक और कॉलर जुड़ चुके हैं हमारे साथ, जय भगवान हिसार से हैं। जय भगवान अपनी राय दीजिए। हाँ नमस्कार जी। जी एक तरफ से ये बीजेपी इस रैली को अगर देखो, देखा जाए तो सरकारी तौर पे रैली थी प्रधानमंत्री जी की, और सभी इसको सरकारी ही बता रहे हैं क्योंकि एक सरकारी रैली थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कमजोर बिजनौई के लिए सीट भी वहाँ बुक करी, और इनको जो कांग्रेस के जो अपने मुख्यमंत्री जी उनको तो आने का हक बनता था क्योंकि वो अपने फिलहाल के मुख्यमंत्री हैं, तो फिर इनको किस तरह मतलब सीट बुक कर रहे। और एक चीज और भी है जी, जैसे अपने बता रहे हैं सर जी के बुला और जो है ये है वो है, हूटिंग भी हुई है उनके खिलाफ है मुख्यमंत्री जी के, तो अगर सरकारी दे दिए तो हूटिंग तो फिर गलत है, मैं इसको गलत मानता हूँ क्योंकि उनके खिलाफ हूटिंग नहीं होनी चाहिए थी। और एक चीज और चीज जब देखा जाए तो कि अगर इनको अंधिका को अगर वो इन्वाइट करते हैं कुलदीप जी को, तो जो फिलहाल के विधायक और पार्टियों के भी नेलो सिंह जी भी हैं तो उनको भी बुलाना चाहिए था सर जी। बहुत बहुत शुक्रिया जय। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब आपसे एक फाइनल आंसर चाहूँगा, एक संक्षिप्त में आंसर चाहूँगा कि क्या ये जो पीएम के सामने सीएम की होटिंग हुई है ये सही है या गलत है? इसे उचित कोई भी डेमोक्रेटिक विजन का व्यक्ति इसको उचित नहीं मान सकता, क्योंकि डेमोक्रेसी की खूबसूरती आप बात कहें तो अपने तरीके से एक संवैधानिक जो परंपरा है उनके अनुसार आप कहें, अगर इस तरह की बात हो तो इंग्लैंड का संविधान तो टोटली एथिक्स पर है, तो रिटर्न भी नहीं है, तो बिल्कुल कहा जाए तो ये एक तरीके से बिल्कुल ही गलत रहा है, नैतिक तौर से भी गलत है, तौर से प्रोटोकॉल की उद्देश्य भी ये गलत है, बिल्कुल ये गलत। मुख्यमंत्री को तो प्रोटोकॉल के तौर से आना पड़ेगा जी, बिल्कुल। आप कहीं ना कहीं फाइनली ये जो हूटिंग हुई है वो गलत हुई है, गलत हुई है, इसमें जनता में रोष है इस बात जी। बिल्कुल डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ हमारी चर्चा में जुड़ने के लिए। जो तरीके से बात करें, आज जो कॉल्स आई हैं हमारे पास, जो जनता की कॉल्स आई हैं, उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने मुख्यमंत्री की जो हूटिंग होना वो कहीं ना कहीं देश के हित के लिए गलत था, और अगर बात करें नैतिकता के लिए गलत ही ये हूटिंग थी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहरहाल आज सवाल आपका में इतना ही, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप जुड़े रहिए खबर फास से, कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए सवाल के साथ। नमस्कार।